MTV Big F with Gautam Gulati. तो आज की फैंटेसी है ओल्डर वुमेन फैंटेसी, जो बहुत से लड़कों की पहली फैंटेसी होती है। ज्यादातर लड़के इसी फैंटेसी में जवान होते हैं और लड़कों से मर्द बनते हैं, पर अपने से बड़े एज की गर्ल हमारी सोसाइटी में हमेशा से फॉरबिडन है। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स द चेज एक्साइटिंग माय फ्रेंड। Forever condoms. Can we have the lights on, please? Gentlemen, Raima Roy, ये इसी का brainchild है। So, Mr. Gupta, we like the second presentation. Congrats! Thank you very much, sir. Thank you very much. And I must say, Raima is a genius. Client ke need ko samajhna aur apne brief ko on-screen magic mein convert kar dena is a speciality. क्या ये? एक काम करो, घर जाओ, पॉटी करो और पॉटी का फेस पैक बना के मुंह पे मल लो। लेकिन ये चवन्नी छाप आइडिया लेके दोबारा मेरे पास मत आना। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट को रायमा का आइडियाज पसंद आए, क्योंकि मेरी टीम उल्लू के पट्टों से भरी पड़ी है। क्या चाहिए क्लाइंट को? हाँ, सेक्स, पैशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो भी प्रोडक्ट हो उसे खरीदने का जुनून पैदा होना चाहिए। समझ लो एक बात, मुझे एक भी एंटीसेप्टिक आइडिया नहीं चाहिए। नेक्स्ट कैंपेन एक बेबी मिल्क पाउडर का है, और अगर ये कैंपेन मुझे नहीं मिला ना, तो तुम सब अपने लिए दूसरी नौकरियां ढूंढ लेना। ओके, आउट। आई सेड गेट आउट। ज्ञान प्रकाश द्विवेदी जी, ये लो। अब इस पर कुछ सेक्सी लाइंस लिख देना शुद्ध देसी हिंदी में। क्या ये रोहन, क्या ये? शर्म करो यार, ये बच्चों का दूध बेच रहे हैं हम? क्या लिखे इस तस्वीर पर? ऐसी एडवर्टाइजिंग नहीं होती है। तुम ना अपना ये स्मॉल टाउन मॉरल साइंस अपने पास ही रखो। देखा नहीं, रायमा दूसरी बार एड कैंपेन जीत गई। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? दूध सारी साड़ी का पल्लू जिंदगी में दो बार बहुत काम में आता है। एक बार जब आदमी साड़ी के सहारे बालकनी से नीचे आता है, और दूसरी बार जब साड़ी का पल्लू गिरा कर ऊपर उठी है। रायमा रॉय नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर बनने वाली है। देसी डूड, सिर्फ आइडियाज में सेक्स बनना काफी नहीं है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि रायमा जी बड़े बॉस के साथ, इसलिए आज वो इतनी कामयाब है? अब तो एक शॉट में सब समझ गया। देसी डूड, यही जिंदगी की सच्चाई है। क्यों, तुम्हें कभी रायमा रॉय की तरफ अट्रैक्शन नहीं हुआ?
हुआ है ना, मुझे भी हुआ है। हेलो जी माँ, प्रणाम। हाँ अभी अभी चल ही रहा है, हम बस आधा डिब्बा बाकी है अभी। अरे नहीं माँ, आपसे हम कैसे झूठ बोल सकते हैं, रोज सुबह एक चम्मच शुद्ध देसी घी का खा के निकलते हैं जी। अच्छा माँ, हम करें अभी आपको थोड़ी देर में। जी जी माँ, रख रहे हैं, प्रणाम जी। अच्छा तो सुनो, तुम हमको ये बताओ कि तुम भी रायमा जी के साथ वेरी क्लोज हो चुके हो? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। अबे इस हफ्ते पार्टी है, तुम्हारी फिटिंग करवाता हूँ मैं। सच बता, रायमा पसंद है ना? लेकिन लेकिन वो बड़ी है हमसे। ओए चंपक, अपना ये डबल स्टैंडर्ड मुझे मत दिखा। हर यंग लड़के की ये फैंटेसी होती है कि वो अपने से बड़ी औरत के साथ। तो ज्ञान छोटे शहर से था और उसे इन बड़े शहरों के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। एक दिन रोहन ने उसे बताया, ये जो औरतें बड़ी पोस्ट पे पहुंचती है ना, ये आई कोट इन रोहन्स वर्ड्स, पल्लू गिरा गिरा के। कमाल की थी। अब सवाल ये है कि क्या ज्ञान भी ऐसा मानने लगा है? उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं? क्योंकि बॉस मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। लिफ्ट। आओ। ज्ञान राइट? हिंदी कॉपी डिपार्टमेंट। यस मैम। मैम मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ। जी मेरा मतलब सॉरी रायमा जी। रायमा रॉय। नहीं मेरा मतलब वो हाथ हमने जानबूझकर नहीं। अच्छा ये बताओ, How do you say awesome in Hindi? Ati sundar. Thank you. Can I drop you somewhere? No, it's okay. हम पास में ही रहते हैं। Are you sure? जी। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अब तुम्हें रिक्शा भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। Good night. Good night. ए चिकने। सुन ना, अरे हीरो सुन ना,
अरे अरे कौला माल है। डर रहा क्यों है? बात सुन ना। हम लोगों को भी लेके चलना। ज्ञान कैरिन मुझे भी लेके जा। कहाँ के रहने वाले हो तुम? वेयर डू यू बिलोंग टू? कानपुर। कानपुर तुम्हारा काम पड़ा है मैंने, अच्छा लिखते हो तुम। अपने आइडियाज को एक हिंदुस्तानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे देते हो, इट्स गुड, कीप इट अप। तुम्हारा वो मैंने बेबी मिल्क पाउडर का भी ड्राफ्ट देखा था, क्या था वो नटखट लल्ला का भी? मन लल चाय। वेरी नाइस। तुम्हारे काम में ना जो कनेक्शन है अपने ओरिजिन्स का, इसे कभी मत खोना, यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। यही था ना तुम्हारा? जी जी। अरे आपको तो सर्दी हो गई है, चलिए आप ऊपर। नहीं लेकिन वो इस्त्री तो चल नहीं रही है। क्यों, तुम्हारी इस्त्री की टांगे खराब हो गई हैं? जी कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारे घर पर चेंज कर सकती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन कपड़े? मैं अपनी गाड़ी में कपड़ों का एक एक्स्ट्रा सेट कैरी करती हूँ हमेशा। अच्छा तो ठीक है ओके। आइए सॉरी। हम गमछा, हाँ ये ठीक, ये ए, हाँ साफ है। थैंक यू। लेकिन आप चेंज कहाँ करेंगे? ये है ना पार्टीशन, इधर कर लूंगी मैं चेंज, तुम उस तरफ चले जाओ। सॉरी। अच्छा तो हम आपके लिए कॉफी बना दे, वो चाय पत्ती खत्म। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस एक ग्लास सादा पानी दे दो। जी थैंक यू। अकेले रहते हो? जी। रियली? कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? जी नहीं। मतलब सीधा शादी? ये थैंक यू, तुमने ज्यादा ही भर दिया है। बट सॉरी। हेलो जी माँ, प्रणाम। नहीं कोई नहीं है घर में। हाँ नहीं, अभी हम बस वो खाने गर्म कर रहे थे। नहीं हम खा रहे हैं, ठीक से खा रहे हैं, चिंता मत करिए। हाँ क्या माँ? जी अच्छा, माँ रखें। हाँ माँ प्रणाम। चलते चलते मिल जाता है कोई, मंजिलें बनती हैं हम सफर, दोस्त कहलाता है वही। अब यूं ही मुस्कुराते चलो, साथ होंगी दो मंजिलें, एक को पाओगे तो जैसे दूसरे को गले लगा लोगे। ये तुमने लिखा है? जी। वो क्या कहा था तुमने?
अति सुंदर। सॉरी मैंने पढ़ लिया। नहीं वो हम भी सॉरी, मतलब वो माँ का फोन था तो एक दो बार अगर दिन में बात नहीं होना तो नींद नहीं आती। किसे, तुम्हें? नहीं नहीं वो माँ को। माँ को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं चलती हूँ, कभी बदलना मत ज्ञान, ना खुद को ना अपने टैलेंट को। इस शहर के कल्चर कॉम्पिटिशन से अपने आप को बिल्कुल चेंज मत करना। बाय, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कर रहा था उसके रूम में? आइडिया सुन के आ रहा था या सुना के आ रहा था? लिसन ज्ञान, आई एम वार्निंग यू, अगर मुझे पता चला ना कि तुमने हमारे आइडिया शेयर करें तो आई विल सैक यू इमीडिएटली। गॉट इट? अब क्या हुआ? तुम गांव वाले लोग ना सेंटी बहुत जल्द हो जाते हो। देख जो हुआ सो हुआ, डोंट वरी। पार्टी में मैंने तुझे प्रॉमिस किया है ना, तो जो होगा वही होगा। और वैसे अगर रायमा को थोड़ी पिला दी ना, तेरा चांस तो बन सकता है। यार कृपा करके आप अपने आइडियाज अपने पास ही रखिए यार। अच्छा ये बता, पार्टी में क्या पहनने वाला है? उसका तो आइडिया दे, ये तो मेरे से ले ले। ज्ञान जी? नहीं नहीं धन्यवाद। अबे वर्जिन मैरी है, ले ले। नहीं नहीं। ना बेबी ना, ज्ञान जी के यार पर नजर मटा। बॉस रायमा जी से इतनी गंदी तरह क्यों बात कर रहा है? क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्या देख रहा है भाई? हेलो, हाँ, एक तरफ तू उस लड़की को देख रहा है, दूसरी तरफ तू टकरा रहा है। छोड़ो ना गोगो, ये चीप लोगों की मोली। हाँ बेबी, वैसे भी सस्ता सा अनब्रांडेड सा माल ही लग रहा है। ब्रांडेड तक तो ओके, आई एम थर्स्टी, आई एम गेटिंग अ ड्रिंक। या माफ करना यार, तुम अनब्रांडेड ही रहना, लड़की का ठप्पा मत लगने देना खुद पर। ये जो तेरी नजर है ना,
इसे ऐसे ही रखना इसी डिग्री पर। प्यार वाली डिग्री पर मत जाना भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पता है ना, प्यार में भोले भाले लड़कों का हमेशा भोलापन छिन जाता है, एल लग जाते हैं। या चीकू कमिंग। ऐसे ही रहना तू, हाँ? दुनिया के सारे कवारे लड़कों का फ्यूचर तेरे पे डिपेंडेंट है। चल। अरे जावेद, वो रायमा जी को देखा? हाँ, वो अभी भी पार्टी छोड़ के चली गई। पार्टी छोड़ के? धन्यवाद। चांस तो बन सकता है। कभी बदलना मत ज्ञान, इस शहर के कल्चर कंपटीशन से अपने आप को बिल्कुल चेंज मत करना। सरमा जी, आप गाड़ी में बैठिए, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करने देंगे आपको। रियली? पता नहीं किसने बॉस बना दिया इनको। ज्ञान, तुम कुछ नहीं जानते। हम सब जानते हैं। औरतों को दबाकर और ऐसे जोर डालकर और ये मजाक उड़ाकर मर्द बनना आता है सबको। हम तो चूचू का मुरब्बा है ना, बेवकूफ समझे जाते हैं जब भी ये औरतों की इज्जत करने की बात करते हैं। तब रायमा जी, ये आप रो क्यों रही हैं? निखिल मेरा बॉयफ्रेंड था, मतलब निखिल और मैंने एजेंसी साथ में ज्वाइन की। Same age, young, we fell in love. प्यार हो गया था हम दोनों को। तीन साल चला था हमारा, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई निखिल की ऑफिस में किसी को भी पता चलने देने की। बस मेरा प्रमोशन पहले हो गया, उसको बहुत चिढ़ मची, उसमें इनसिक्योरिटीज पैदा हो गई। देखा नहीं गया उससे कि मैं उससे बेहतर थी। बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था हमारा। आप दोनों की हिस्ट्री है इस लड़ाई के पीछे? मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो एजेंसी छोड़कर जाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन वो तो हिंदुस्तानी मर्द है ना, केकड़े हैं, इंडियन क्रैब, किसी को अपने से ऊपर उठता कैसे देख सकते हैं, और वो भी एक औरत को। उनको ना नंगा कर बीच सड़क पर पिछवाड़े पर 2 लात मारनी चाहिए। सच में कितने भोले हो ज्ञान। बोले बेवकूफ नहीं। थैंक यू। Thank you.
एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी कमजोर पर ताकत दिखाने वाला इंसान कभी भी हीरो नहीं बन सकता। अब ज्ञान भले ही इनोसेंट है लेकिन हीरो मटेरियल है लाइफ में, तभी उसने रायमा का फायदा नहीं उठाया। रायमा होश में नहीं थी, मतलब कमजोर थी, फिर भी ज्ञान ने उसकी मदद की लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया। कहते हैं जिंदगी में अगर आप एक भी काम अच्छा करो ना तो किस्मत आपको बार बार मौका देती है, लेकिन अपनी फैंटेसी को पाने के चक्कर में इतना मत बह जाना कि हीरो से विलन बन जाओ। ओहो, अय है शाइनिंग डूड, काम कर दिया था रात को। डोंट टेल मी रायमा, बोल ना। देखो हम ना तुमको कुछ नहीं बताने वाले, और एक तो तुम्हारी ये असभ्यता हमको पसंद नहीं है, मतलब किसी की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। हाँ हाँ, तू क्यों बोलेगा, फिर ये बता रायमा ने रिजाइन क्यों किया? क्या रायमा जी ने रिजाइन कर दिया? हाँ, तू कुछ बोलना बोल, मैं बता। रायमा का सच बाहर आ गया, अपने ही बॉस की आइडियाज चुरा कर उन्हीं को रीपैकेज करके क्लाइंट के सामने इंप्रेशन जमा रही थी, बिग बॉस ने पकड़ लिया। अब शर्म के मारे क्या करती रायमा, अब भूलना। आप समझते हो क्या होता है जब खुला हाथ पूरी फोर्स से कान के करीब पड़ता है ना, उसको कंटाप कहते हैं। और एक कनपुरिये के कंटाप से ना शैतान भी बचकर रहता है। आज तो बोल लियो, आगे से अगर किसी भी औरत के बारे में बोलते सुन लिए ना, जहां होंगे वहीं आके ऐसा कंटाप मारेंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे, समझे? जी के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हुए शर्म नहीं आती तुमको? सॉरी सॉरी। वो है क्या? आपने रायमा जी को देखा? Tell you is, you belong to this agency, Rayma. यहाँ तुमने कितना कुछ अचीव किया है। मैंने ना अभी तक निखिल को वो लेटर दिया नहीं है। Yes. It's really okay. इस ऑफिस में इस पोजीशन से ज्यादा ऊपर जाने की कोई गुंजाइश है नहीं एक औरत के लिए। क्या कह रही हो तुम? तो? तुम कैसे कह सकती हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऊपर ही रहो। Rayma, I've always liked you. Seriously. I promise I'll keep you very happy. Okay, baby. मैं क्या समझू? हाँ समझू। समझ लूँ कि तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या? रिजिग्नेशन को फाड़ के फेंक देते हैं। कम ना बेबी, कम विद मी। You'll pay for this. बोले बिना नहीं जाना चाहती थी ज्ञान, इसीलिए वापस आई हूं। मैं माफ कर दीजिए रायमा जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे तो हम कुछ समझ नहीं पाए। ज्ञान,
थैंक यू। रायमा जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। किस लिए? अरे तुम जानते हो, तुम वो पहले इंसान हो इस शहर में, इस ऑफिस में, जो ज्ञान, कल रात अगर तुम चाहते हैं ना तो तुम मेरा फायदा उठा सकते थे। यू कुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ मी। और मैं शायद माइंड भी नहीं करती, मैं तो माइंड करने की हालत में ही नहीं थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे रियलाइज करवाया कि अभी भी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, देयर इज होप, उम्मीद है, और ये सब कुछ मेरी हाथों में है। तुम एक अच्छे इंसान हो ज्ञान, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि अभी भी अच्छाई है इस दुनिया में, इसीलिए जो भी हो जाए अपने आप को बदलना मत। तुम मुझे पहले मिले होते। तुम सब ये मत सोचना कि नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर बन के मैं तुम पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखूंगा। आई विल कीप किकिंग योर एस। हाँ, पार्टी तो बनती है। या पार्टी तो बनती है, बट यू नो ये प्रमोशन तो ना मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, पर तुम लोग जानते ही हो इस ऑफिस में कोई ऐसी थी जिसे अपने आइडिया के अलावा खुद को बेचना भी बहुत अच्छे से आता था। ज्ञान, can I have your attention? ज्ञान, I'm talking to you. सर, कंटाप समझते हैं क्या होता है? हाँ? कंटाप, जब खुला हाथ पूरी फोर्स के साथ कान के करीब पड़ता है ना, उसको कंटाप कहते हैं। और एक कनपुरिये के कंटाप से शैतान भी बच के रहता है। हाय ज्ञान, मैं यूएलसीए में स्क्रीन राइटिंग कोर्स कर रही हूँ आजकल। काफी टाइम से सोच रही थी कुछ ऐसा ही करने का। आई एम लविंग इट हियर। एक बार फिर से बस थैंक्स कहना चाहती थी तुम्हें।
आई होप तुम अभी नहीं बदले। ये मेरा ईमेल एड्रेस है और यहाँ का नंबर है। स्टे इन टच विद मी, मुझे मुझे अच्छा लगेगा। ज्ञान भाई, ओ बॉस, सायरा से मिले? हाँ, आज सुबह सेल्फ इंट्रोडक्शन कराया अपना आपने। लखनऊ की है, आज मिल रहे हैं शाम को उनसे कॉफी पे। आपका हर एक्सपीरियंस, चाहे वो आपकी फैंटेसी हो या फिर कुछ और, आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। जैसा कि ज्ञान के केस में हुआ, ज्ञान को ये रियलाइज हुआ कि रायमा की पीठ पीछे जितने भी लोग उसके ऑफिस में बात कर रहे थे, जितनी भी गंदी बातें की, उसको ये एहसास हुआ कि वो सब गलत थी। उसको ये भी एहसास हुआ कि एक औरत अगर जिंदगी में आगे बढ़ती है तो वो अपनी मेहनत की वजह से आगे बढ़ती है, अपनी लगन की वजह से आगे बढ़ती है, ना कि किसी कॉम्प्रोमाइज की वजह से आगे बढ़ती है। और सिर्फ ज्ञान नहीं, रायमा को भी ज्ञान से मिलने पर यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। उसकी जो गलत फहमियां थी सोसाइटी को लेकर, उसकी जो गलत फहमियां थी इस दुनिया को लेकर, उसकी जो गलत फहमियां थी मर्दों को लेकर, वो ज्ञान से मिलने के बाद सब दूर हो गए। तो कभी कभी आपकी लाइफ की एक फैंटेसी आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे जाती है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पर वैसे ज्ञान ने अपनी फैंटेसी को पूरा करने के चक्कर में कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं सीख लिया? पर वो तो बोनस है यार। पर anyway, बोनस तो बोनस है, अब ऐसी चीजें रुकती थोड़ी ना है। पर मैं तो फिर जाते जाते यही बोलूंगा कि कहां पर हो, वेट कर रहा है गौती।